गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज की डेट में सबसे कीमती चीज कौन सी है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आपके जवाब का तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर यही सवाल दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों से पूछा जाता तो वो लोग क्या जवाब देते, पता है आपको? वो लोग जवाब देते समय, यानी कि टाइम। इससे जुड़ा एक फैक्ट बताता हूं। फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग पूरे ही सप्ताह एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि उन्हें यह सोचने में अपना समय बर्बाद ना करना पड़े कि मुझे कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। गाइज, याद रखिएगा, समय की कीमत बेशकीमती है। बात है उस जमाने की जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज किया करते थे। तब जमशेद जी टाटा मुंबई के वॉटसन होटल पहुंचे, लेकिन उन्हें होटल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया, क्योंकि वो होटल स्पेशली यूरोपियंस के लिए बनवाया गया था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उस होटल के गेट पे जो लिखा था उसे पढ़ के जमशेद जी टाटा जी को बहुत बुरा लगा। उस गेट पे लिखा हुआ था कि यहां कुत्तों का और इंडियंस का आना सख्त मना है। यह पढ़ के किसी को भी बुरा लगता, लेकिन जमशेद जी टाटा जी ने इस बात को दिल पे लगा लिया और उन्होंने उस दिन कसम खाई कि वो मुंबई में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत होटल बनवाएंगे। और 16 दिसंबर 1903 को उन्होंने ताज महल पैलेस, जिसे ताज होटल भी कहते हैं, उसको बनवाया और उसके बाद ताज होटल्स की नींव रखी। गाइस, क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जब कोई टीम पहले ही टेस्ट में मात्र 36 रन पे पूरी की पूरी ऑल आउट हो जाए तो उस टीम से तो आप क्या ही उम्मीद रखोगे। लेकिन चैंपियंस जानते हैं कि जहां पर लोगों की उम्मीदें खत्म होने लगे वहीं से ही बाउंस बैक करना होता है, क्योंकि गिर के उठने वाले को ही मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। और कुछ ऐसा ही किया टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में, जहां एक और विराट कोहली, रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे थे, वहीं सबको लगने लगा था कि अब तो गई भैंस पानी में। लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी और की शतकीय पारी, रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन और बुमराह की गेंदबाजी ने कमाल ढा दिया और सेकंड टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पे धूल चटा दी। गाइस, इंडिया की इस गजब की जीत के बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में जब हम अपने मेहमानों को हाथ जोड़ के मिलते हैं तो ये हाथ जोड़ना सिर्फ एक पोस्चर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो वैज्ञानिक तर्क क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब भी हम लोग हाथ जोड़ते हैं तो हमारी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर दबाव पड़ता है और एक्यूप्रेशर का असर सीधे हमारी कानों पर, हमारे दिमाग पर और हमारी आंखों ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपने मेहमान को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसा बहुत बार होता है जब हमें अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर पीडीएफ फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन जो पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड की है उसके साथ वायरस भी तो हो सकता है, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल को इन्फेक्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसे पता लगेगा कि उस पीडीएफ फाइल के साथ वायरस है? उसका कोई जनरल तरीका है क्या? तो मैं आपको बताता हूं। जनरली जब आप किसी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करते हो और अगर उस पीडीएफ फाइल के एंड में .exe लिखा हो तो आप उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसके साथ वायरस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। याद रखिएगा .exe, ठीक है गाइस? गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं। 2020 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड ये किस खिलाड़ी को दिया गया, क्या आप जानते हैं? गाइस, ये विश्व स्तरीय अवार्ड इंडिया की विमेन हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल को दिया गया है। Oh my God. और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दुनिया की वो पहली ऐसी हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें ये विश्व स्तरीय अवार्ड दिया गया है। गाइस, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। वो हरियाणा से हैं और 15 साल की उम्र में उन्हें नेशनल हॉकी टीम के लिए चुन लिया गया था। है ना गाइज अमेजिंग फैक्ट? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।